हाँ, चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में इसमें हम देने के बाद एक सीरीज दिए हैं आप लोगों को, जिसमें लिखा हुआ है 2, 7, 16 डैश, फिर लिखा है 46, 67 और 92। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, कैसे समझेंगे कि उस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोगों को ऐसा क्या भरना है जो सीरीज को फॉलो करता रहे। ठीक है, तो सबसे पहला काम, इसमें बहुत सारा ट्रिक है, ऐसा नहीं है ये एक ही ट्रिक है, बहुत सारा ट्रिक है, एक एक करके सारा सीखेंगे तो माइंड में सारा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे सीरीज का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, जैसे कि 2 का, 7 का, 16 का। जब हम सबका डिफरेंस निकाल रहे, 2 से 7 का तो डिफरेंस डिफरेंस आ रहा है 5, जब 7 से 16 का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आ रहा है 9, फिर उस तरफ जब चले गए तो 46 और 67 का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आ रहा है 21, उसके आगे का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आ रहा है 25। तो ये करके हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि एक्चुअली डिफरेंस, तो देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों का 5 है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों का 9 है, तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालो। 5 और 9 का डिफरेंस कितना है, 4, तो 9 और 13 का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4। तो 16 और 13 प्लस कर देंगे, तो 16 और 13 प्लस कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 29। इससे पता चल रहा है कि सबका डिफरेंस हम लोगों का, अब 29 और 46 का डिफरेंस निकाल कर चेक कर लेंगे कि सही कर रहे हैं कि नहीं, तो आ रहा है 17। तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पूरा सीरीज में ही ये जा रहा है, इसी तरह हम लोगों को मिसिंग फिगर ढूंढना है। ठीक है, तो हम और दे रहे हैं और अभी ट्राई करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल अभी हम लोगों को क्या सीरीज दिया है, 9, 29, 65, 126, 217, 344। इसमें बोल रहा है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, मतलब इस सीरीज में एक रॉन्ग फिगर घुसा हुआ है जो सीरीज को ब्रेक कर दे रहा है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, सारे सीरीज का डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये हम लोगों का डिफरेंस है, डेफिनेटली कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो बिना कैलकुलेटर के ये करना है। तो ये हम लोग समझे कैसे कि इसमें क्या क्या रॉन्ग है। एक चीज देखो, हम लोग ये कैसे समझ रहे हैं, सब चीज का स्क्वायर करके देखो, हम लोग जब 2 क्यूब प्लस 1 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं,
लाइन से हम लोग क्यूब ले रहे हैं, मतलब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब और सब में हम लोग प्लस 1 कर रहे हैं, पर सब में देखो सेम नंबर आ जा रहा है जो ऊपर है, मतलब 9, पर ये 28 आ गया है जो कि 29 आना चाहिए था, तो ऊपर का सीरीज रॉन्ग कौन सा है, 29, उसके जगह 28 आ गया था, क्योंकि बाकी सब इस रूल से सेम सीरीज दिखा रहा है, तो 29 इज द रॉन्ग सीरीज। फिर हम लोग को क्या दिया है अभी, 1, 9, 25, 49, 81, 121 और फिर एक, मतलब इसमें कंटिन्यूएशन में एक मिसिंग सीरीज डालना है जो इसी सीरीज को फॉलो करे, तो अगेन चेक कर लेते हैं एक बार डिफरेंस निकाल कर, ये जरूरी नहीं हर बार डिफरेंस निकाल के होगा, दूसरे वाले में कैसे हुआ क्यूब का, तो ऐसा कुछ सोचना होगा, पर सारा अगर हम लोग सारा चीज सीख लेते हैं तो ये करने में ज्यादा आराम होता है। मैम 8 का मल्टीपल से जा रहा है। हाँ, ये 8 के मल्टीपल से जा रहा है। हाँ, तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि 8 के मल्टीपल से जा रहा है तो 40 के बाद आ जाएगा 48, तो 121 प्लस 48 169। हाँ, तो आंसर हो जा रहा है 169, एकदम करेक्ट। इस तरह से इसमें सोचना है। ये था नंबर सीरीज, एक बार हम सारा सिखा दे रहे हैं फिर एक साथ करेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं अल्फाबेट सीरीज में, तो हेडिंग दे दो अल्फाबेट सीरीज। हम एग्जाम में यही सबसे ज्यादा टाइम, देखो इसमें दिया है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को एक सीरीज दिया है MYSTIFY, इसको हम लोग इसका हम लोगों को डिकोड दिया है, इसको हम लोगों ने कोड किया है NZTUJGZ। ये जो पहला देगा ये दे देगा ऑब्जर्व करने के लिए, और जो दूसरा है वो हम लोगों को निकालने बोलेगा। दूसरा दिया क्या है, तो हम लोगों को पहला दे देगा ऑब्जर्व करने के लिए और दूसरा हम लोगों को निकालने बोलेगा। पहला को हम लोग देख के ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जो भी पहले दिया है बाद वाला उसका ठीक नेक्स्ट अल्फाबेट है, जैसे कि पहले दिया है M, उसके उसको क्या लिखे हैं हम लोग N, फिर है Y, उसको लिखे हम लोग Z, मतलब ठीक नेक्स्ट वाला अल्फाबेट, फिर है S, तो उसको लिखे हम लोग T, फिर है T, हम लोग लिखे उसको यू, आई जे एफ जी वाई जेड, तो ये वाला का क्या होगा, एम का एन, मैम एन एफ डी एफ टी जे टी, एन का एन एन एफ
फिर एन को क्या लिखेंगे, एम एन ओ लिखेंगे ना। हाँ एन एन एफ ओ एफ टी जे टी। हाँ इस तरह इसको हम लोग डिकोड किए। ये एक्चुअली हम लोग करते क्यों है, रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है ये सब क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना ओरिजिनल पासवर्ड डालते हैं। जब भी कुछ भी खरीदते हैं तो हम लोग कार्ड का नंबर डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अगर वो कोड होकर नहीं जाएगा, कोड का मतलब जैसे वो लिखे हैं वैसे नहीं जाकर कुछ और फॉर्म में जाना। जैसे अगर हम लोग पासवर्ड डाले, अपना कार्ड का नंबर डाले, सीवीवी डाले, सारा डिटेल तो कंप्यूटर में दे दिए, अगर कंप्यूटर उसको कोड नहीं करेगा तो जिस कंपनी का हम लोग परचेज कर रहे हैं, सोचो हम लोग अमेजन से परचेज कर रहे हैं, तो अमेजन के पास ओरिजिनल सारा चीज रीडेबल हो जाएगा, उसको पासवर्ड, हम लोगों का सीवीवी, कार्ड नंबर सब वैसे ही दिखाई दे देगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको कोडेड कर देता है। कोडेड करना मतलब एक अलग ट्रिक में, एक अलग लैंग्वेज में उसको भेज देता है, ऐसे ही ट्रिक लगा के। मतलब अगर हम लोग लिखना चाहते हैं मेनेसिस, अगर हम लोग का पासवर्ड है मेनेसिस, हम लोग कंप्यूटर पे टाइप करेंगे मेनेसिस, तो कंप्यूटर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एन एफ इसमें। तो अगर अगर कंपनी उसको निकालना भी चाहता है, हैक भी करना चाहता है, कंपनी नहीं तो उसका कोई आदमी, उसके आईटी सेक्टर, आईटी डिपार्टमेंट का कोई पर्सन उसको अगर निकालना भी चाहता है, तो कभी एन एफ ओ ये सबसे बैक नहीं आ पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ने क्या किया है ये उस आदमी को नहीं पता चलेगा। और कंप्यूटर क्या करता है, उसको कोडेड कर देता है। ऐसा और कौन करता है, ऐसे इंजीनियर्स करते हैं। जब भी हम लोग कोई गेम देखते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हैं, उसका जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खोलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक अलग ही लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है, जो हम जैसे लेमैन के समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो कोडिंग किया है। वो बोलता है ना, हम कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग कर रहे हैं मतलब उसको एक अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अगर वो क्लियर क्लियर सारी बातों को लिख देगा नॉर्मल इंग्लिश में, तो कोई भी उसका चीज को चोरी कर लेगा, गेम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग भी, फिर दूसरा इंजीनियर चोरी कर लेगा। इसलिए वो उसको कोडिंग कर देता है, एक दूसरे लैंग्वेज में डाल देता है। तो अभी हम लोग दूसरा कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व किए थे कि एक एक बिफोर का आइटम है, इसलिए इसका मतलब टी एस टी मतलब यहाँ पे उसका बाद वाला आया है, टी के ए के बाद जेड आया है, पी के बाद ओ आया है, तो इसी तरह वो हो गया। नहीं, यहाँ पे तो जी होगा, हम एज के बाद आई आता है ना। नहीं, इसके बाद वाला लेना है ना मैम, पहले वाला एस टी, हाँ ई एफ क्यू आर एच आई, हाँ हाँ, तो इसमें हम लोग कैसे किए हैं, पहला तो एल एम है, एल एम है मतलब इसमें हम लोग ले लेंगे ओ पी, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो एन अभी नीचे निकाले वो ऊपर आ गया है,
जो ये n है वही ये n है, ठीक है। तो यहां पर e, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहां पे e है, तो यहां पर भी e है, ठीक है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ये ई एम है, ये टी आई है, मतलब इसका रिवर्स हो रहा है। ई एम है तो यहाँ पे एन ई है, यहाँ पे टी आई है तो यहाँ पे आई टी है, यहाँ पे ओ एन है तो वहां पे एन ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे आर ई है तो यहाँ पे ई आर है, यहाँ पे एस ई है तो यहाँ पे ई एस है, एन टी है तो टी एन है, ठीक है। तो रिवर्स हो जा रहा है, बस पहला वाला फॉलो कर रहा है, बाकी रिवर्स हो जा रहा है। नेक्स्ट कर रहे हैं, तो कैरम को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, बी सी लिखे हैं, तो यहाँ पर जी एच लिखे हैं, मतलब इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जेड ए क्यू आर क्यू आर एन ओ एल एम हमेशा बाद वाला ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट दे रहे हैं, अगर a इक्वल टू वन है, बी इक्वल टू टू है, तो सी इक्वल टू थ्री होगा, डी इक्वल टू फोर होगा, ऐसे जाएगा। तो बोल रहा है ए आई सी सी आई को हम लोग क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे वन। आई कितने नंबर पे आता है, जब हम लोग एबीसीडी कैलकुलेट करते हैं तो आई कितने नंबर पे आता है, नाइन नंबर पे। क्लियर है ये, उसी तरह हम आगे दे रहे हैं। इसमें दिया है पेंट, अगर पेंट को हम लोग वैसे लिख रहे हैं, एक्सेल को हम लोग वैसे लिखते हैं, तो एंशियंट को कैसे लिखेंगे। तो हम लोगों को सबका नंबर दिया हुआ है, ए का नंबर दिया हुआ है फोर, मैम इससे पहले वाला जो कैरम आप लिखाए थे उसमें एक पीछे जाना था, बट वो हॉर्स में आप एक पहले आप वाला करती है, मतलब कैरम था बी जी क्यू क्यू एन एल, तो हॉर्स होगा नहीं, बी के बाद सी आ रहा था ना, नहीं सी से पहले बी आ रहा था, ओ अच्छा, तो horse, तो उसको रिवर्स जाना था। हाँ उसको रिवर्स जाना था, ओके ओके ठीक है।
ठीक है, ये वाला समझ में आया? उसके बाद मैं दे रही हूं ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट मतलब जो सबसे अलग है उसको बाहर निकाल देंगे, जैसे कि इसमें हम लोग को चार मंथ का नाम दिया है, जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर। इसमें से कौन सा ऑड मैन आउट है? देखो कैसे समझेंगे, सभी में कुछ सिमिलैरिटी निकालेंगे। जनवरी में 31 डेज होता है, मई में 31 डेज होता है, जुलाई में 31 डेज होता है, पर नवंबर में 30 डेज होता है। तो ऑड मैन आउट कौन सा है? नवंबर। अगेन हम लोगों को इसमें एक नंबर सीरीज दिया है और बोला है ऑड मैन आउट निकालो, तो ऑड मैन आउट कौन सा है? देखो सारा फिगर ही 2 से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 23 है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगेन इसमें भी एक सीरीज दिया है और बोल रहा है इसमें भी ऑड मैन आउट निकालो, तो देखो इसमें भी सारा नंबर 3 से डिवाइड होगा, सिर्फ 26 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें अगेन हम लोगों को एक सीरीज दिया है और बोल रहा है कि इसमें ऑड मैन आउट निकालो, ये वाला समझ में आया? सारा ही ऐसे कर रहे हैं, पहले से 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 1, 2 और 3 तीनों का स्क्वायर, फिर चारों का स्क्वायर।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बीच में 51 बिना मतलब का एंटर कर गया है, 51 के लिए वहां कोई जगह नहीं है। अगेन हम लोगों को एक सीरीज दिया है 16, 25, 36, 62, 144, 196, 225। इसमें भी निकालना है। इसमें देखो सारा नंबर एक स्क्वायर है। हम 62 नहीं होगा। हाँ, क्योंकि सभी एक स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर, 144 है, 12 का स्क्वायर, पर हम लोग सिर्फ देख रहे हैं 62 किसी का स्क्वायर नहीं है।